परीक्षाएं लगातार कैंसिल करते जा रही हैं, तो सारे बच्चे जो है राज्य के वो सरकार के मैनिफेस्टो को पढ़ना शुरू किया, और मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद उनको लगा है कि हमको सड़क पर आकर के मैनिफेस्टो बांचने की ज़रूरत है। तो हम 12 तारीख को विवेकानंदा के उठो जागो वाले मंत्र से प्रेरणा लेकर के और गांधी को नमन करते हुए, बिरसा को नमन करते हुए हम विधानसभा मैदान में जुटेंगे और राज्य भर के युवा वहाँ पर एकत्रित होंगे और गांधी मोरहवाली में जो है गांधी वाटिका के पास आकर के उसको समाप्त करेंगे, ताकि सरकार को ये मैसेज जाए कि जो इस तरीके से वो लगातार रोजगार के मुद्दे पर सिर्फ यहाँ पर जो लॉलीपॉप का काम या विश्वास और इसकी देने के बाद उसको लेकर के नहीं हम उनको सरकार पे लाए थे, वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रयास करें, इसके लिए हम लोग इसको ये संदेश देना चाहते हैं कि आज झारखंड के जो युवा हैं सड़क पर हैं। कारण यही है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 22 वर्ष हो चुके हैं झारखंड को बने, आज भी युवा तरस रहे हैं। क्या वर्तमान में जो सरकार के मुखिया हैं वो कोई किसी भी तरह के वो यात्रा में निकले, सच्चाई यही है कि उन्होंने जो विश्वासघात किया है उसकी खुशी मनाने के लिए वो भले ही वहाँ पे जाएं, लेकिन युवाओं के दिल में, युवाओं के जहन में जो बात है वो खुल के सामने आ रही है और वो आने वाला जो हमारा आक्रोश मार्च है उसमें दिखेगा भी। मुख्यमंत्री साहब तमाम मुद्दों को उलझाने के बाद एक जोहार यात्रा निकाल रहे हैं और हम लोग तमाम उलझे हुए मुद्दों को उनको दिखाने के लिए कि ये मुद्दे आपने उलझाए हैं, युवाओं को ठगा है, उनके भविष्य को छला है, ये उन तक पहुंचाने के लिए एक आक्रोश मार्च का हम लोग निकालने जा रहे हैं। इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे राज्य से युवा जुड़ेंगे और इसकी गूंज उन मुख्यमंत्री के कानों तक जरूर पहुँचे।